बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक अभ्यास पुस्तिका, रुचिरा अभ्यास पुस्तिका का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। और दूसरे पाठ में हम लोग यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका के जो रुचिरा संस्कृत की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है, दुर्बुद्धि विनश्यति पर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में पहले पाठ का हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किया था और आज हम लोग दूसरे पाठ के प्रश्न और उत्तर को लिखेंगे। तो दूसरा पाठ है, यहाँ पर पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, रुचिरा अभ्यास पुस्तिका है ये। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न है ये, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं और तीनों विकल्प में से एक उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 1 लिखेंगे। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, और इसमें जो पहला क दिया हुआ है प्रश्न, ये दिया है कम्बो ग्रीवः कस्य नाम आसीत। कम्बो ग्रीवः कस्य नाम आसीत, कम्बोग्रीव किसका नाम था। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें जो है वो 3 विकल्प दिए हैं, जिसमें कि पहला विकल्प दिया है हंसा और दूसरा विकल्प दिया है कुर्मा और तीसरा विकल्प दिया है सरह। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला विकल्प हंसा, तो कम्बोग्रीव हंस का नाम नहीं था, हंस का नाम संकट और विकट था। तो यहाँ पे कुर्मा कछुए का नाम था कम्बोग्रीव। तो दूसरा विकल्प सही है और दूसरे विकल्प में नंबर सही कर लेना है क्योंकि वहाँ पे पहला ही नंबर डला है। तो उसे उत्तर में हम लोग यहाँ पर दूसरा विकल्प लिखेंगे, कुर्मा। तो कुर्मा जो है वो सही विकल्प है और सही उत्तर है। और अब हम लोग ख प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, और ख में जो प्रश्न दिया है, धीवराह कुत्र अगच्छन, मछुआरे कहाँ आए। तो धीवराह कुत्र अगच्छन। तो इसमें भी 3 विकल्प दिए हुए हैं और पहला विकल्प दिया है सरसी तालाब पर, मगध देश में, नद्याम नदी में। तो यहाँ पे सरसी होगा, सरोवर के पास जो है वो मछुआरे आए। तो पहला विकल्प इसमें सही है, तो उत्तर लिखकर यहाँ पर हम लोग पहला विकल्प लिखेंगे सरसी। सरसी मतलब तालाब पर। और अब यहाँ पे ग का वाला प्रश्न लिखेंगे और ग का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि आवाम किम करवाव, आवाम किम करवाव, अब हम दोनों क्या करें, इति कौ अवदताम, ये कौन बोले। तो धीवराह मछुआरे, कच्छपह कछुआ, हंसौ दोनों हंस। तो आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें, ये दोनों हंस बोलते हैं, द्विवचन का यहाँ प्रयोग है। तो ग का जो प्रश्न है, आवाम आवाम किम करवाव, आवाम किम करवाव इति कौ अवदताम। कौ का प्रयोग द्विवचन के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द है ये। तो यहाँ पर हम दोनों क्या करें, इति मतलब ये
कौन दो अभद्रता मतलब बोले, तो दो हंस थे, उन दोनों हंसों ने कहा। तो इसमें धीवराह पहला विकल्प है, कक्षपह और हंसों, तो दोनों हंसों ने कहा था। तो यहाँ पे उत्तर में हम लोग तीसरा विकल्प को सही करेंगे और इसमें लिखा हुआ है हंसों, तो हंसों इसका उत्तर हो जाएगा। और अब इसके बाद घ वाला प्रश्न हम लोग करेंगे और घ में प्रश्न दिया है, हंसौ चंचवा किम अधारयताम, हंसौ चंचवा किम अधारयताम, हंसौ चंचवा किम अधारयताम, हंस ने चोंच से क्या पकड़ा। तो यहाँ पे काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, और दूसरा कच्छपम कछुए को, तीसरा न किमपि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे काष्ठ दंडम होगा क्योंकि लकड़ी के डंडे को कछुए ने हंसों ने पकड़ा था। तो पहला विकल्प यहाँ पे हो जाएगा काष्ठ दंडम, तो पहला विकल्प उचित विकल्प है और उसी को लिखना है। और अब यहाँ पे अंग कुर्मः कुत्र पतितः, कछुआ कहाँ गिरा, कहाँ से गिरा, कछुआ कहाँ से गिरा। कुर्मः कुत्र मतलब होता है कहाँ, कुर्मः कुतः पतितः कहाँ से, पतितः मतलब गिरा। तो आकाशात आकाश से, वृक्षात पेड़ से, और दंडात डंडे से। तो यहाँ पे कुर्मः आकाशात या दंडात पतितः, डंडे से जो है वो गिरा, तो यहाँ पे दंडात हो जाएगा। तो ये तीसरा विकल्प जो है इसमें सही विकल्प होगा, दंडात। और अब है यहाँ पर ज है, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पे हम लोग अब ऊपर प्रश्न लिखेंगे, तो अंग के बाद जो च वाला प्रश्न है वो लोग उसका उत्तर हम लोग पीछे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो है हम लोग अंग तक यहाँ लिख लिए हैं, अब च का प्रश्न लिखेंगे। तो च में प्रश्न दिया है कुर्मः, अंग के बाद यहाँ पे प्रश्न की संख्या ठीक करना होगा, अंग के बाद च आता है फिर छ आता है, तो ज की जगह पे च लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुर्मः केन मार्गेण, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम्, अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पे भू मार्गेण जमीन के रास्ते से, धरती के रास्ते से, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, जल मार्गेण जल मार्ग से, तो इसमें हम लोग दूसरा लिखेंगे आकाश मार्गे, आकाश के रास्ते से वो दूसरी जगह जाना चाहता था, तो दूसरा विकल्प आकाश मार्गेण। तो आकाश मार्गेण जो है इसका उचित विकल्प है, दूसरा विकल्प। और अब हम लोग यहाँ पे छ वाला प्रश्न करेंगे, पौराह कम दृष्ट्वा अधावन, पौराह कम दृष्ट्वा, पौराह कम दृष्ट्वा अधावन, और इसमें जो है उत्तर हम लोग चुनेंगे, यानी कि नागरिकों ने किसको देखकर दौड़े, नागरिक किसको देखकर दौड़े। तो यहाँ पे हंस युगलम हंसों के जोड़े को, दंडम डंडे को, कुर्मम कछुए को, तो कछुए को
यहाँ पे तीसरा विकल्प आ जाएगा कुर्मम, कम है तो कुर्मम। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो क है कुर्म कुत्र प्रति वसति स्म, कछुआ कहाँ रहता था। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न ये सभी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना है, तो इसमें जो है हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न दो, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और इसमें क है कुर्मः कुत्र प्रति वसति स्म, कुर्मः कुत्र प्रति वसति स्म। तो इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कुर्मः फुलोत्पल नाम, फुलोत्पल सरसी इसको यहाँ पर केवल सरसी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जब तालाब का नाम पूछा जाएगा तब उसका वर्णन उसको लिखना है। तो कुर्मः सरसी प्रति वसति स्म, सरोवर में रहता था। कुर्मः सरसी प्रति वसति स्म। अब हम लोग यहाँ पे ख करेंगे, और ख में प्रश्न दिया है धीवरा नाम वार्ताम श्रुत्वा कुर्मः किम अवदत्, मछुआरों की बात सुनकर कछुआ क्या बोला। तो धीवरा नाम वार्ताम श्रुत्वा कुर्मः किम अवदत्, तो मछुआरों की बात सुनकर कछुआ क्या बोला। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर में लिखेंगे कुर्मः अवदत्, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला मित्रे हे मित्र किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ताम श्रुता, वो पूछता है कि क्या आप लोगों ने मछुआरे की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना किम अहम करोमि, ये जो है बोलता है। तो ये कछुए ने जो हंसों से कहा कि क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बातें सुनी, तो अब मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पर हम लोग ग का प्रश्न का लिखेंगे, कच्छपा हंसौ कम उपायम वदति, ग है कच्छपा, कच्छपा मतलब कछुआ होता है, कच्छपा हंसौ कम उपायम वदति, कछुआ हंसों
को क्या उपाय बोलता है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऊपर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो हम लोग इसका आंसर तो ग का उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये ग का उत्तर है। कच्छपः वदति, कच्छपः वदति युवाभ्याम युवाभ्याम काष्ठदण्डम। युवाभ्याम मतलब कि तुम दोनों, काष्ठदण्डम लकड़ी के डंडे को, एकम चंच्वा काष्ठदण्डम, एकम एकम चंच्वा एकम चंच्वा धारयताम। ये आँख कट जा रहा है, इसको इधर से लिखते हैं। काष्ठदण्डम एकम चंच्वा एकम चंच्वा धारयताम अहम काष्ठदण्ड मध्ये, अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि, मैं तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। सुखेन गमिष्यामि तो ये जो है कछुआ बोलता है, तो इसे सबको कॉपी में उसमें लिखना है, अभ्यास पुस्तिका में। और अब इसका हम लोग आगे का प्रश्न लिखेंगे। अब है घ, घ में प्रश्न है, हंसो कूर्मम कम अपायम अवदताम। हंसो कूर्मम कम अपायम, कौन सी हानि, यहाँ पे अपाय का अर्थ है हानि, उपाय का अर्थ होता है कोई तरीका जिससे कि बचा जाए। कम अपायम, तो यहाँ अपायम है, इस पे ध्यान देना है, अपायम का मतलब होता है हानि नुकसान। कम अपायम अवदताम, तो यहाँ पर हंसौ कूर्मम, अब उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे, हंसौ कूर्मम अपायम अवदताम अपायम अवदताम यदि त्वम अवदताम, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि।
अवदताम यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। यदि त्वम उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। तो ये जो है उसका जो है अपाय बताया। अब आगे प्रश्न है, हंसयोह वचनम श्रुत्वा, हंसयोह दोनों हंसों के वचनम श्रुत्वा, दोनों हंसों के वचन को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर क्रुद्धः कुर्मः किम अवदत्। क्रुद्धः कुर्मः किम अवदत्। दोनों की बातें सुनकर जब वो बोलते हैं कि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, तब क्रोध में उसको गुस्सा आ जाता है कछुए को, तो वो क्या बोलता है, किम अवदत, क्या बोला। तो यहाँ पर वो बोलता है कुर्मह अवदत, कछुआ बोला किम अहम मूर्खः, किम अहम, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि। तो इस तरह से वो बोलता है कि किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे प्रश्न के पूरे, यहाँ पे पांच प्रश्न दिया था दूसरे प्रश्न में, तो पांचों का उत्तर हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न और उत्तर लिखा। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, और तीसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है मंजुषातः कोष्ठक से, मंजुषा से विलोम पदानि चित्वा लिखत, विलोम पद चुनकर लिखो। तो कोष्ठक से यहाँ पर विलोम पद चुनकर लिखना है, लिखत का मतलब होता है लिखो, तो यहाँ पे लिखत का अर्थ है लिखो। तो इसमें विलोम शब्द लिखना है, तो और यहाँ पे विकल्प भी दिया हुआ है। तो प्रश्न तीन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न तीन है ये, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पे क दिया हुआ है उपायः, तो उपायः का उत्तर हो जाएगा अपायः, तो अपायः लिखना है खाली जगह में। और ख है इसमें गच्छन, ख इस साइड लिखा है, तो हम लोग भी ख इधर ही लिख देते हैं, ख है यहाँ पे गच्छन, तो गच्छन का हो जाएगा अगच्छन, तो यहाँ पे खाली जगह में गच्छन का तिष्ठन यहाँ विकल्प दिया है। वैसे अगच्छन भी होता है, लेकिन विकल्प जब दिया है तो हमें उसी में से लिखना है, तो गच्छन का तिष्ठन, ये तिष्ठन हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे ग करेंगे, और ग में यहाँ पर पंडितः, और पंडितः के लिए यहाँ मूर्ख उपाय दिया है, विकल्प दिया है पंडितः का मूर्ख। और फिर घ में है शत्रुणाम,
शत्रुराम का हम लोग विकल्प चुनेंगे मित्राराम। उच्चारण से ही समझ में आ रहा है कि शत्रु का मित्र होता है, तो शत्रुराम का मित्राराम हो जाएगा। तो हिंदी में भी पंडित का मूर्ख होता है, तो यहाँ पे पंडितः लिखा है, तो हम लोग मूर्खा उसमें भी विसर्ग लगा देंगे। तो ये तीसरा प्रश्न हम लोग का यहाँ तक पूरा हो गया, और पांचवा और छठा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे, और इसके आगे हम लोग करेंगे सातवां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। तो इसको हम लोग यहाँ ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा लिखत, प्रश्न सात में। तो प्रश्न है, मंजुषातः क्रियापदानि, क्रियापद चुनकर लिखना है, चित्वा वाक्यानि पूर्यत, वाक्यानि पूर्यत। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले में, तत्र संकट विकटौ नामकौ हंसौ निवसतः। यहाँ पे हम लोग पहला करेंगे, तत्र संकट विकटौ नामकौ, तत्र संकट विकटौ नामकौ हंसौ, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा, निवसतः रहते थे, तो यहाँ पे निवसतः पद हम लोग चुने हैं, तो यहाँ पे निवसतः, और विकल्प दिया हुआ है उसी में से खोजकर लिखना है। और अब ख है, अहम आकाश मार्गेण गंतुम, अहम आकाश मार्गेण गंतुम, आकाश मार्ग से जाना, यहाँ पे इच्छामि आया है, चाहता हूँ के लिए इच्छामि हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह में इच्छामि। और ग है, यदि त्वम उत्तरम, यदि त्वम उत्तरम, यहाँ पे दास्यसी दोगे, दास्यसी दोगे। अब घ है, अहम किंचित अपि न, अहम किंचित अपि, किंचित अपि न वदिष्यामि, नहीं बोलूँगा मैं, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, यहाँ पे खाली जगह में वदिष्यामि हो गया। और अहम कुर्मम गृहम नीत्वा, अहम कुर्मम गृहम नीत्वा खादिष्यामि, मैं घर ले जाकर खाऊंगा, अहम कुर्मम गृहम नीत्वा खादिष्यामि, खाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने सातवां प्रश्न किया। और अब यहाँ पर जो आठवां प्रश्न दिया है, इसमें जो है सबसे पहले आठवें प्रश्न में प्रश्न आठ प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग प्रश्न आठ लिख रहे हैं, और प्रश्न आठ में प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि किसमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो इसमें क है, क में हम लोग लिखेंगे कुत्र, और ख में यहाँ पर आ जाएगा रेखांकित शब्द की जगह पे, ये समझाया जा चुका है इस तरह से कि प्रश्न कैसे बनाना चाहिए, तो इसमें रेखांकित जगह पे कौ लिख देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। और ग में धीवरा नाम है तो केशाम हो जाएगा, और बाकी सभी जो है वाक्य वैसे ही लिखे जाएंगे। और घ में
आवाम की जगह पे कौ हो जाएगा, और अंगा में मरणम की जगह पे किम हो जाएगा, या मरणम की जगह पे कम निश्चितम। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न बनाना है इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके। तो आज हम लोगों ने पाठ दो का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति का हम लोगों ने प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।